गुरु सीधे बैठ जाए और सीधा बिल्कुल सीधा हो, आंख स्पष्टों में सामने बिल्कुल जवान की तरह बैठे। इसमें विशेष रूप से यंत्र प्रयोग और यंत्र प्रयोग के साथ साथ शक्तिपात आंखों के माध्यम से होता है, क्योंकि मैं वह शक्तिपात दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप में चुंबकीय क्षमता पैदा हो सके और आप दूसरों को आप बोलें या कहें या सोचें। एक्सपेरिमेंट आप ऐसा कर सकते हैं कि ये मंत्र जाप थोड़ा कर लें, छोटा सा मंत्र है, और तीन या चार दिन के बाद में आप सोचें कि रमेश भाई का टेलीफोन नंबर ये है, ये यहाँ बड़ौदा में रहता है, मुझे भी 5 मिनट में टेलीफोन करें, और फिर आप मंत्र जाप करें तो आप देखोगे 5 मिनट में उसका टेलीफोन आने लगे। अगर आया है तो मतलब आप सही वशीकरण कर रहे हैं। मैं तो आपको हाथों प्रमाण दे रहा हूं, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं कि आप 2 साल का मंत्र जाप करें, इसलिए वह सम्मोहन दे रहा हूं आपको पूर्ण रूप से। तत्रादो पूर्णाय तस्मानं सकृते कल्याणं सम्मोहन प्रगान्ते पूर्ण शक्तिपातेन वित्तं मां तुभ्यं सम्पर्रे तत्रादो एनमस्तं वो ज्योति पूर्णां परिपरां पतः पूर्णां पुनरापत सम्मोहन जगुं सरकृतो संकल्पं कुर्यात। आदि लक्ष्य ओम भागवत से बखने जमुदी देश अग्रवान साके बोधता अवतारे समसे सम्मे को सुमता ए तो स्मान मुसा कृति कल्याण राम दीर्घा अतो स्मान सत्यम इन मिश्र हो जो दिया मुख गोत्र पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम पूर्ण तो प्राप्त निमित्तम सम्मोहना अंते सम्मोहन पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम पत्रोपि सहाय तो स्वान पाषाणोपि वशीकरणम सहाय तुभ्यम संपर्दे। मनुष्य तो क्या स्थिति तो क्या मैं पत्थर को भी वशीकरण कर सकूं, ऐसा ही मैं आपसे सभी प्राप्त कर रहा हूं। जो ये प्रयोग कर रहे हैं वो खड़े हो जाए, इंद्र को दोनों गुटिकाओं के साथ लेकर बाएं हाथ में, बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ में गुटिका ले दें दोनों, बाएं हाथ में इंद्र को ले दें और गुटिका तो हाथ में रहेगी, ये दोनों उंगलियां खुले और इसको ऊंचा उठाना है, हाथ ऐसा यंत्र पकड़ना, सिर्फ दोनों हाथों से यंत्र को पकड़ना है और हाथ छत के स्पर्श होना चाहिए आपको, ऐसा ही मरे हुए नहीं खड़े रहना, ठीक। और जितना ऊंचा उठा सको उतना ऊंचा उठाए, नजर बिल्कुल मेरे सामने रहेगी और हिलेंगे नहीं आप, ना आंख हिलेगी ना आप हिलेंगे। मैं सबकी बात इसके साथ कर रहा हूँ जैसे यंत्र सिद्ध हो सके, गुटिका सिद्ध हो सके, फिर बता दूंगा इसका उपयोग कैसे करना है। मगर आप हिलेंगे तो बस उतना ही इफेक्ट मिलेगा आपको, चाहे सांप भी काटे आप हिलेंगे नहीं, जब तक मैं शक्तिपात चलता रहेगा तब तक आप खड़े रहेंगे और हाथ में खंप नहीं पड़ेगा और जितना हाथ ऊंचा उठा होगा उतनी ज्यादा ठेस छत को स्पर्श करने वाला होना चाहिए। ओम दी पूर्वादिता पूर्व सा चैतन्यम परिपूर्णा तस्मान संदे पूर्वा सा चिंतम भजिंतम पति पूर्वा सा दिवो तस्मान सत्य कल्याण तन मोहनदा स पूर्वा समुदा इको देव जो तम भाग देव वसविदाम प्राकृतिक श्रमणा पिया इंद्राय भागदाम कुमाय कुमास इष्टम सुगुण सुदवासन को पतो सिया तब विमान सिया वसन पाय समूहनात्मा पाषाणाय पाषाणाय वशीकरणा वशीकरणाय पाषाणा मनुष्य वशुते पशु पक्षी गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर साम भूत प्रेत पिशाच देवता इंद्र रुद्र यरुण यम वर्णता पुरुष स्त्री नारकम सा पूर्वा वशीकरण सम परिवार ए तो स्वान सम्मोहनाय समस्त समाज देश कुटुंब देश राष्ट्र वशीकरण सम्मोहनाम पूर्वा से चिंतन कर लेतम पुटा देव सा तब कम वचन बोल दे पूर्णा विवरा पर सुपूर्णाम तना पूर्वा सा चिंतन कर लेतम दीर्घ हो तो स्वान सत्य कल्याण तम पूर्णा विवरा पर पूर्वा चिंतन वचन कम अदो स्वान नेते भूलता लक्ष्मी स्वान पूर्वा दीर्घ पूर्वा तो स्वान अंकम चंद्र तो सा मंदिर में जाम में जाके जाके टोटे तो दा दीप्तम दीप्तम पाम 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 पूर्वा महा सा पूर्वा तो स्वान सत्यम इस वचन बोल ज्योति पूर्वा जो पूर्वा साम प्रोस्वाम दुस्वाम सम नित्य तुभ्यम इस मतम भोजोति पूर्णा विभाग से पूर्णा पुनावत एक मूर्त गुम सदगतो हो सा चिंतम चिंतम परिपूर्णा अदोस्मानम सकृते कल्याण काम दीर्घ हो तो सालम पदा पूर्वा सा चिंतम परिपूर्णा स्मरण कृते कल्याण काम दीर्घ श्याम दीर्घ हो सतो सताहाम पूर्वा
समस्त समाज वृक्षोत्पन्नम साक्षात् देवता गंधर्व यक्षगणाः समस्त भूत रुद्र वरुण यम कुबेर दैत्य वसुः विश्वामित्र गर्ग अत्रि गणाधि पुरुषः दृश्य समस्तं त्वां अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मान ताम वशीकरणाय सात मनोमज कामना सिद्धाय ताम पित दोष निवारणाय ताम मनोकामना सिद्धाय सात पुनातुभ्यम समतम दोनों चरणों को दोनों आंखों में स्पर्श करके चंद्र को अपने हाथ में ले लीजिए और गुरु प्रार्थना करिए, क्योंकि कोई साधना करने के प्रारंभ में और अंत में गुरु साधना की जाती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि गुरु चित्र आपको लेना चाहिए और आप लोगों ने लिया है, ये आपकी समझदारी है और बहुत लंबी दूर की सोच है और इसीलिए इसी प्रकार से आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको। अपने ज्ञान ग्रंथ आसपास निग्रह स्तवन ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको कई बार मिलूंगा ही और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। गुरु स्मरण चिंत्यो विचिंत्यम भवदेव नित्यम वदाहम तुमेवम ब्रह्म स्वरूपम तुल्यम सदै पूर्वमदेव तुल्यम गुरुदेव रूपम तुभ्यम प्रणम्यम त्वमेव माता च पिता पित्ररूपं मात्रास्वरूपं देवास्वरूपं ब्रह्मास्वरूपं चिन्त्यास्वरूपं विचिन्त्यरूपं सर्वस्वरूपं गुरुं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीनः सदाचारी भगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता मोक्षस्य कांक्षां वैभव न वांछां न देवो न लोकं न वेवं वदेवं सदाहं पवित्रं सदाहं त्वमेवं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता परिपालयन्ति सदेवं त्वं रूपनेत्रं त्वं चैतन्यरूपं शिष्यत्वरूपं शरणं प्रपद्ये त्वमेवं 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 शरण्यं त्वमेव माता आशीर्वाद देता हूं कि आप इस समूह और वशीकरण प्रयोग जो टैप रिकॉर्ड हो चुका होगा और उस टैप को भी प्राप्त कर सकते हो, उसकी जरूरत भी नहीं है और आप स्वयं इसको एक्सपेरिमेंट करें अपने अधिकारी पर दूसरों पर किसी पर भी और शुभ कार्य के लिए इसको प्रयोग संपन्न करें और जहां विपत्ति आए तो सिद्धों पर भी प्रयोग कर सकते हैं कि वो आपके शरण में रहे। मुकदमा चलता है तो जज पर भी कर सकते हैं, उनको दोष नहीं है, क्योंकि अच्छे कार्य करने में हमें कहीं कोई बाधा नहीं दे सकता, बुरे काम करने की मैं आपको सलाह भी नहीं दे सकता, मगर निश्चित रूप से आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसका छोटा सा मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको बोल देता हूँ।
उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है और प्रयोग कैसे करना है वह भी समझा देता हूँ। पहले मंत्र बोलता हूँ, ओम क्लीम सम्मोहनाय क्लीम फट। वापस बोल रहा हूँ, ओम क्लीम सम्मोहनाय क्लीम फट। ओम क्लीम सम्मोहनाय क्लीम फट। आप एक सेकंड रुके, मैं समझाऊंगा। इसके दो तरीके हैं वश में करने के। एक तो यह एक जनरल प्रत्येक को वश में करने का मंत्र है, ओम क्लीम सम्मोहनाय क्लीम फट। लिखा इसलिए है कि आपको यहां लिख दिया जाएगा जिससे आप सही ढंग से लिख सके। दूसरा यह है कि यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही सम्मोहित करना हो, जैसे हरिलाल को सम्मोहित करना हो, तो ओम क्लीम क्लीम के बाद उसको नाम बोले, ओम क्लीम हरिराम सम्मोहनाय क्लीम फट। बस केवल 108 बार इसको उच्चारण करने की जरूरत है, उसके बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर लें। उस हरिराम को आप आज्ञा देंगे, वो आपका आज्ञा पालन करेगा, मगर उससे पहले ये मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 210 मालाएं जपनी चाहिए। 210 मालाओं का मतलब है कि वो 2 दिन या 3 दिन लगते हैं, छोटा सा मंत्र है और उसमें रोज आप 51 माला जपेंगे तो 4 दिन में माला पूरी हो जाएगी। 51 माला जपेंगे, 4 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये मंत्र सिद्ध होने के बाद में आप कहीं पर भी किसी प्रकार पूरे जीवन में फिर आपको इस मंत्र को जपने की जरूरत नहीं। ये यंत्र है, ये यंत्र या तो आपके घर में रहे या आपको कोई विशेष किसी से मिलने जाना हो, मिनिस्टर से मिलने जाना हो या कोई विशेष शत्रु से मिलने जाना हो, तो जेब में डाल के जाए। वो इससे भी एक आश्चर्यजनक चीज यह है कि बहुत कम यहाँ पर सम्मोहन वशीकरण सिद्धि माला है। वह मैं 1 तारीख को राजयोग दीक्षा के लिए रख छोड़ी थी, क्योंकि इस प्रकार की माला पूरी मंत्र जाप करने के बाद ही पंडित सिद्ध कर पाते हैं।